देखो ध्यान देना, जब भी कभी भी आपके पास आता है कि कोई डेड हैंडसेट है, जैसे सैमसंग A13 का ही, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ ये सैमसंग में ही अप्लाई होगा, ये हर फोन के अंदर इसी तरीके से चेक होगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट रहेगा आपका कि मल्टीमीटर को आप 20 पे सेट करोगे, 20 वोल्ट DC पे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट होगा आपका डेड फोन में बैटरी को चेक करना कि बैटरी सही है या नहीं है। और बैटरी एक फोन को रन करने के लिए मिनिमम जो होता है 3.7 होना चाहिए। हाँ, 3.70 वोल्टेज इस मल्टीमीटर में ये रीडिंग होना चाहिए जब आप इस बैटरी को चेक करोगे, कितना 3.7। तो सबसे पहले इसमें लिखा भी होता है बैटरी कनेक्टर में, यहाँ पे पॉजिटिव है और इस साइड नेगेटिव है, तो जहाँ पे पॉजिटिव आप पॉजिटिव सेट करो और जहाँ पे नेगेटिव वहाँ पे नेगेटिव, और फिर देखो मीटर में देखो कितना रीडिंग है, कितना है 3.86। हमें चेक करना है बैटरी कनेक्टर में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, यानी कि बैटरी कनेक्टर से हम चेक करेंगे कि हमारा कोई प्राइमरी लाइन या सेकेंडरी लाइन में कुछ दिक्कत तो नहीं है, इस बोर्ड को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी लाइन ही बैटरी कनेक्टर पे हम चेक कर पाएंगे कि वो शॉर्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग चेक करने के लिए मीटर की रेंज को हम बीप में सेट करेंगे, मल्टीमीटर को कहाँ पे सेट करेंगे, बीप पर, ठीक है। और आपको क्या करना है, देखो रेड प्रोब को ग्राउंड कर देना है, देखो यहाँ पे देखो रेड प्रोब को हमने कहाँ कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। और ये जो बैटरी कनेक्टर में एक पॉजिटिव है एक साइड और एक साइड क्या है नेगेटिव है, ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है। एक साइड हमारा बैटरी कनेक्टर में पॉजिटिव होता है और एक साइड क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये देखो बैटरी में लिखा हुआ है, लिखा है ना, रुकना, हाँ देखो बैटरी कनेक्टर में लिखा है, इधर प्लस लिखा है इस साइड और इस साइड क्या है नेगेटिव साइड है। तो जब ये बैटरी हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा तो अभी उधर है पॉजिटिव और अब कहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, मेरी साइड है, देखो यहाँ लिखा है इसमें पॉजिटिव लिखा है, तो ये पॉजिटिव साइड है और ये क्या है नेगेटिव साइड है। लेकिन जब ये बैटरी में कनेक्ट होता है यहाँ कनेक्टर, तो ये हमारा क्या होता है पॉजिटिव कहाँ आ जाता है मेरी साइड, और नेगेटिव कहाँ है आपकी साइड है। तो अब हम क्या करेंगे कि रेड प्रो को हमने ग्राउंड कर दिया है, तो जो हमारा इसका पॉजिटिव साइड है वो बीप नहीं करना चाहिए ग्राउंड से, नेगेटिव तो बीप करेगा, देखो कर रहा है नेगेटिव, क्या कर रहा है बीप कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव बीप नहीं कर रहा है। देखो अगर हमारा ग्राउंड से नेगेटिव और पॉजिटिव बीप करेगा तो इसका मतलब हमारा प्राइमरी लाइन फुल शॉर्ट है। अगर बैटरी कनेक्टर से क्या करेगा माइनस और प्लस दोनों बीप करेगा तो लाइन क्या होगा फुल शॉर्ट होगा। तो अभी नहीं कर रहा है तो मतलब प्राइमरी लाइन फुल शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो फुल शॉर्टिंग तो हमारे फोन के अंदर नहीं है, अब हमें चेक करना है कि प्राइमरी लाइन में कोई हाफ शॉर्टिंग तो नहीं, प्राइमरी लाइन में कोई हाफ शॉर्ट तो नहीं है। तो अब हमें ग्राउंड पे ब्लैक रखना है, ब्लैक रखना है, और रेड को हमें कहाँ रखना है पॉजिटिव पे। अगर रीडिंग 1 से लेकर 600 के बीच में आई तो हाफ शॉर्टिंग है, देखो, और नहीं आया तो ठीक है, देखो कुछ आ रहा है नहीं है ना, 1 का 1 है। अगर ये आता 300, 500, 550, 400, 350 तो मतलब क्या था हाफ शॉर्ट था, कोई रीडिंग नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है सही है, प्राइमरी लाइन हमारा क्या है ओके कंडीशन में, प्राइमरी ओके है। चलो तो प्राइमरी लाइन जब ओके होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें स्विच लगाकर एक बार आप बैटरी लगा के एक बार ऑन ऑफ स्विच से भी ट्राई करोगे बटन को प्रेस करके, ये भी होता है कभी कभी कनेक्शन लूज होता है, तो ये हमने दबा के रखा थोड़ी देर, कुछ भी नहीं आ रहा है, फोन क्या है टोटल डेड है। मतलब प्राइमरी तो ओके है लेकिन सेकेंडरी लाइन में क्या है प्रॉब्लम है। दो लाइन होती है मेन, एक प्राइमरी और एक
सेकेंडरी, तो प्राइमरी ओके है बट सेकेंडरी हमारी क्या है फॉल्टी कंडीशन में। तो सेकेंडरी को चेक करने के लिए आप डीसी मशीन से भी चेक कर सकते हो, और अगर आप डीसी मशीन से नहीं चेक करना चाहते हो तो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेसिंग का नॉलेज होना चाहिए कि फर्स्ट वोल्टेज हमारा कहाँ बनेगा, कौन सी लाइन सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा शॉर्ट होती है, कहाँ पे शॉर्टिंग हो सकती है, वो लाइनें हमें चेक करनी आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें ट्रेसिंग पार्ट आना चाहिए सेकेंडरी लाइन को चेक करने के लिए। ठीक है, क्या करेंगे, ये कैमरों को डिसकनेक्ट करेंगे, ये कैमरे जो हमारे हैं इनको हम डिसकनेक्ट करेंगे, ये सब इसको हटा देंगे और यहाँ से ये एंटीना भी निकाल लेंगे। तो अब क्या करना है हमें कि इसमें जो सबसे पहले होता है हमारा बोर्ड के अंदर चार्जिंग आईसी से एक बीपीएच लाइन बनती है, जो कि ये चार्जिंग आईसी है हमारा, इसके लिए देखो ट्रेसिंग आना चाहिए पहले। तो ये चार्जिंग आईसी और ये हमारा क्या है कॉइल है, ठीक है, बीपीएच का कॉइल है। तो अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि ये जो कॉइल है ये ग्राउंड से बीप तो नहीं कर रही, ये जो कॉइल होती है सीरीज में लगी होती है तो ये ग्राउंड से बीप नहीं करनी चाहिए। अगर ग्राउंड से ये कॉइल बीप कर रहा है तो इसका मतलब बीपीएच लाइन क्या है हमारा शॉर्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ग्राउंड पे रखेंगे रेड और देखेंगे हम बीपीएच लाइन क्या है शॉर्ट है। सबसे पहले यही वोल्टेज बनती है, इसीलिए मैं यहीं पे चेक किया, बाकी कहीं नहीं चेक किया मैंने। सबसे पहले यही वोल्टेज बनता है चार्जिंग आईसी से, हमारा जो बैटरी कनेक्टर है वो इसको सप्लाई देगा और ये आईसी एक बीपीएच लाइन बनाएगा जो पावर आईसी को जाएगा, और पावर आईसी है मेरी यहाँ, इसको सप्लाई जाती है, फिर ये आईसी हमारी वोल्टेज बनाएगी बक वोल्टेज जो हमारी सीपीयू को जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस लाइन को चेक किया तो हमारा यही लाइन क्या निकला शॉर्ट निकला। अब इसके लिए ये कॉइल तो हाँ कॉइल तो शॉर्ट नहीं होता है क्योंकि कॉइल तो सीरीज में लगा है, इसका ट्रैक शॉर्ट है। तो अब उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इस कॉइल को निकालना पड़ेगा और इसके नीचे देखना पड़ेगा कि मुझे इस लाइन में शॉर्टिंग है आउटपुट में या इनपुट में शॉर्टिंग है। अगर इनपुट की तरफ हुआ तो मतलब चार्जिंग आईसी में फॉल्ट है, और आउटपुट में हुआ तो जहां जहां ये लाइन जा रही है वहां कहीं शॉर्टिंग हो सकता है। तो अब ये तो बहुत सारी जगह जाती है, सीपीयू एमएमसी को छोड़कर सभी लाइन में ये वोल्टेज जाती है, तो अब हमें वो चेक करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे इस कॉइल को निकालना पड़ेगा बोर्ड से। ठीक है, क्या करना है कि जो ये कॉइल है ना इसको बाहर निकालना है। तो कैमरे तो हमने पहले ही निकाल दिए थे, तो अब हम इस कॉइल को निकालेंगे। तो कॉइल को निकालने के लिए हम थोड़ा सा इसमें फ्लक्स पेस्ट यूज़ करेंगे, मशीन को टेम्परेचर को 320 पे सेट करके हम इसको निकाल लेंगे। हाथ को मूवमेंट देते रहना, ध्यान से निकालना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप आसपास के कोई कंपोनेंट को निकाल लो। ठीक है, कॉइल हमारा निकल चुका है बस। अब ये कॉइल जब हमने बोर्ड में से निकाल लिया है, ये हमारा बीपीएच कॉइल है, तो कॉइल कभी भी शॉर्ट नहीं होता है। कॉइल अगर ग्राउंड से बीप करा तो उसका ट्रैक शॉर्ट है। अब मुझे ये देखना है कि ये वाली टिप शॉर्ट है आउटपुट की या इनपुट की, मतलब ये जो सारी जगह जा रही है इस वाली में शॉर्टिंग है या इसमें है। तो ये चेक करने के लिए मैं फिर से मीटर का सहारा लूँगा और ये ग्राउंड पे लगा दूँगा रेड और देखूँगा कि ये बीप कर रहा है या फिर ये कर रहा है बीप, नहीं कर रहा, रीडिंग दे रहा है, और इस साइड बीप कर रहा है, तो मतलब शॉर्टिंग आउटपुट में। अगर इस साइड बीप करता तो मतलब यहाँ कहीं किसी कंपोनेंट में या इस आईसी में शॉर्टिंग होता, लेकिन आउट की तरफ शॉर्टिंग है, तो आउटपुट तो पूरे बोर्ड में पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं जा रही भाई। आपकी नेटवर्क में भी जा रही है, नहीं नेटवर्क में तो नहीं जाएगी, वो लाइट में जाती है, आपकी पावर आईसी पे जाती है, हर एक सेक्शन के इनपुट में बीपीएच जाता है, लेकिन सीपी और एमएमसी को छोड़कर क्योंकि वहाँ सिर्फ पावर की जाती है। ठीक है, तो इस लाइन में शॉर्टिंग है, तो अब मैं इसको चेक करने के लिए रोजिन पेस्ट का यूज़ करूँगा। ये हमारा रोजिन पेस्ट है, तो रोजिन पेस्ट मैं इस बोर्ड में लगा दूंगा और देखूंगा कि शॉर्टिंग हमारा कहाँ पे आ रहा है। ठीक है,
डीसी मशीन का, और ये डीसी मशीन को हमने सेट कर दिया 4 वोल्टेज 5 एम्पियर पे। जो बीपीएस लाइन का जो वोल्टेज होता है वो 3.2 से लेकर 4.2 तक होता है, मतलब इसके बीच में आप एक वोल्टेज सेट कर सकते हो। तो हमने कितना कर दिया, 4 वोल्टेज, और यहाँ पे जो आपका है वो कितना है, 5 एम्पियर। ठीक है, हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन कर लेंगे, और एक हम रख देंगे यहाँ ग्राउंड पे। ठीक है, और जो शॉर्ट कर रहा था ना पॉइंट, उस पर हम टच करेंगे और देखेंगे यहाँ कहीं मेल्ट होता है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ कहीं हमने लगाया, देखो वहाँ डीसी में जब हम लगा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्पियर ले रहा है हाई, लेकिन यहाँ कहीं हीट हो रहा है नहीं। ठीक है, अगर हम बैक साइड देखें तो बैक साइड में देखो कि कहीं हीट हुआ या नहीं। देखो यहाँ कहीं से पेस्ट ना रिमूव हो चुका है, तो हम तो पीछे साइड देख रहे थे, तो एक काम करते हैं कि दोबारा से हम यहाँ कहीं पे शॉर्टिंग है, क्योंकि देखो यहाँ से थोड़ा सा ना एक हम यहाँ पे रखेंगे, देखो एक ग्राउंड पे हमने रख दिया, और ये जो हम रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, इसी पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, जो आउटपुट हमारा क्या हो रहा था, शॉर्ट हो रहा था। ठीक है, और यहाँ फिर देखना है आपको कि कहाँ पे मेल्ट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आपको दिख रहा है बोर्ड, बोर्ड क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखना कि कहाँ पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, देखना है हुआ मेल्ट, कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट कौन सा कंपोनेंट हुआ, ये 2-3 मेल्ट हो गए, लेकिन कौन सा, इधर सबसे इधर कौन सा, ये वाला कौन सा, ये मेल्ट हुआ, ये वाला। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकालने के लिए हम हीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे भी आप ब्रेक कर सकते हो उसको, लेकिन ब्रेक करने में होता है कभी कभी ट्रैक मिस हो जाता है, ट्रैक टूट जाता है आपका, ये भी प्रॉब्लम होता है कि आईसी की तरफ अगर या कोई कॉइल ब्रेक हो गया, तो आप क्या करो इजीली इसको धीरे धीरे करके हीट से ही निकालने का ट्राई करो। ठीक है, इसको निकाल लो, इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने देना है, थोड़ा ठंडा होने देंगे। जो ये कंपोनेंट निकला था इसको हम चेक भी करेंगे बीप मोड पे। देखो ये अगर बीप करेगा तो मतलब ये क्या है, शॉर्ट है, देख रहे हो। कैपेसिटर कभी भी ना बीप नहीं करता, कैपेसिटर ये क्या कर रहा है, बीप, ये कैपेसिटर है, ये कंपोनेंट है, देखो शॉर्ट है, मतलब यही कंपोनेंट हमारा क्या था, शॉर्ट था। और अब अगर मैं चेक करूं बोर्ड में उस जगह पे जो बीप कर रहा था ग्राउंड से, देखो अब कर रहा है बीप, रीडिंग आ रहा है, तो मतलब शॉर्टिंग क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अगेन इस कॉइल को फिक्स कर देंगे, जो हमारा बीपीएच कॉइल था इसको हम फिक्स करेंगे, थोड़ा सा मेल्ट करेंगे उसको, और इसको इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हम, पहले हम क्या करेंगे क्लीन कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको अब क्लीन कर देंगे थोड़ा, और फिर चेक करेंगे कि फ़ोन ऑन हो गया या नहीं। ठीक है, शॉर्टिंग तो हट गई, चेक करते हैं बैटरी, तो चेक पहले ही कर दिया था, 3 पॉइंट कितना था, 8। ठीक है, और ये ऑन ऑफ स्विच, और ये बैटरी, उसका दबाएंगे स्विच, और बटन दबाने के थोड़ी देर बाद इसको पलट के देखेंगे, ये देखो हो गया डेड, फोन ऑन। और सिर्फ प्रॉब्लम किसका था, खो गया वो कैपेसिटर, गिर गया वो कहीं, छोड़ो उसको, ये रहा ये रहा, सिर्फ एक कंपोनेंट का था, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, सिर्फ यही शॉर्ट था। देखो
ठीक है, क्लियर।